तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अपडेट में हम बात करने वाले हैं एंटरटेन रंगीला चैनल के बारे में। दोस्तों एंटरटेन रंगीला चैनल से इस बार ये ऑक्शन में भाग लेने वाला है। दोस्तों जानेंगे पूरी अपडेट इस वीडियो के अंदर, लेकिन दोस्तों उससे पहले चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। जैसे मैं डीडी फ्री रिलेटेड हर एक न्यूज दूँ उससे उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो दोस्तों जैसे कि एंटरटेन रंगीला इसका जो फाइनली है इसका प्रोमो भी आउट हो चुका है और ये सिर्फ अभी पैड मोड में हमें देखने को मिल रहा है। ये चैनल तो लॉन्च हो चुका है और एयरटेल लिस्टेड टीवी ये चैनल नंबर 654 पर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर 10 डीटीएच पर देखने को मिल रहा है, 185 पर और जय श्री कृष्णा डिजिटल पर 402 पर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों सिर्फ इन्हीं तीन प्लेटफॉर्म पर ये चैनल समय देखने को मिल रहा है, जो की भोजपुरी लैंग्वेज उसका चैनल रहने वाला है। और दोस्तों बात करें क्या हमें डीटीएच पर देखने को मिलेगा, दोस्तों इसका जो फाइनली प्रोमो है एंटरटेन मूवीज चैनल पर देखने को मिल रहा है, दंगल पर भी देखने को मिल रहा है और जितने भी एंटरटेन नेटवर्क के चैनल है उन सभी पर देखने को मिल रहा है एंटरटेन इस चैनल का प्रोमो दोस्तों। और ये चैनल के बताया जा रहा है कि ये चैनल फ्री टू एयर है। दोस्तों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये चैनल फ्री टू एयर एंड दोस्तों ये है इस ऑक्शन में जरूर भाग लेगा। दोस्तों इस ऑक्शन में इसलिए भाग ले रहा है क्योंकि ये पूरी कोशिश कर रहा है और ऑक्शन में अगर ये स्लॉट जीत जाता है तो इस ऑक्शन में आपको 1 अक्टूबर से ये चैनल डीडी वर्ल्ड पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी अपनी कोशिश कर रहा है स्लॉट जीतने की, जैसे ये स्लॉट जीत जाता है तो आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ इस बार ऑक्शन में ज्यादा स्लॉट वैसे भी डीडी फिज के MPG2 स्लॉट में ज्यादा खाली नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से चैनल्स हैं जो पार्टिसिपेट करके यहाँ पर जीत पाते हैं और कौन कौन से चैनल्स हमें 1 अक्टूबर के देखने को मिलते हैं MPG2 स्लॉट में। देखते हैं कल क्या रिजल्ट आने वाला है या आज शाम तक। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये चैनल 100% पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहा है।